वापस आ गई इस टाइम. यार मैं ट्राई करके देख रही हूँ, कल मैं एक बंदे को लेकर आ रही हूँ, यू नो अ सिंगर दैट इज गोइंग टू बी हियर टुमारो. ही इज गोइंग टू बी विद मी, सो आई एम गोना बी इंटरव्यूइंग हिम. ओके ऑलराइट, सो या इट्स वर्किंग. अच्छा, किसी को आना है कॉल पे? आना है, आई कैन टेक यू ऑन कॉल नाउ. यू टॉक वेरी नाइस जनरल. देखो ये मैं नीचे लिंक पोस्ट कर रही हूँ, एंड अगर आपको आना है तो इस लिंक पे क्लिक करो. एंड आई थिंक यू विल बी एडेड. आई डोंट नो, गिव मी योर नंबर. वाह जी वाह, ब्रिंग गिव मी योर नंबर. बताओ मुझे कोई आ रहा है कॉल पर, सो देन आई कैन टेक देम ऑन कॉल. हाउ डू आई गेट देम टू बी हियर? योर वॉइस वीडियोस आरंट प्रॉपरली सिंक्ड. नो, आई गेस सो. वेल दिस इज व्हाई वी आर टेस्टिंग दिस, राइट? जब ही तो 420 हो गए लोग. आई एम हियर अगेन. हाय दानिया, हाउ आर यू? You two no look good. क्या? You are a nice lady. जल्दी जल्दी जा रहे हैं कॉमेंट्स यार, आई कैंट इवन रीड द कॉमेंट्स. मैंने जो लिंक पेस्ट कर रही हूँ नीचे, लिंक नहीं दिख रहा किसी को? देखो मैंने नीचे लिंक पेस्ट किया है, कैन यू सी द लिंक? ये देखो, उस लिंक पे क्लिक करो एंड देन यू कैन कम एंड चैट विद मी. आई एम गेसिंग इनवाइट. मैं आ रहा हूँ. मालीज आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू शफी. मैंने कहा ना इनवाइट कर सकती हूँ आपको मैं, मगर आप यू गाइस, लिंक दिख रहा है कि नहीं मुझे ये बताओ यार. यार बकवास बाद में करो, लिंक दिख रहा है कि नहीं बताओ, कोई काम की बात कर लिया करो. लानते और वही बकवास आके शुरू हो जाते हो. आई डोंट गिव अ शिट अबाउट योर लानते. आप मुझे ये बताओ कि लिंक दिख रहा है किसी को कि नहीं. यू डिडंट रीड माई कॉमेंट. मैं कॉमेंट्स नहीं करती हूँ. कॉलिंग यू, हाउ कम आई डोंट सी? नहीं है लिंक, मैंने पोस्ट तो किया है लिंक. मैंने इसमें चैट में ही पोस्ट किया है, किसी को नहीं दिखा. ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड. वेयर इज द लिंक अर्शद जी? एक सेकेंड, शो. नो, ये कह रहे नो. ओके तो आई विल हाइड दैट. लेट मी शो यू द लिंक. लिंक नहीं दिख रहा. आई वंडर व्हाई इट्स नॉट शोइंग. कैसे भेजते हैं ये लोग लिंक? शो. नो नॉट दिस वन. कहाँ गया यार? ओ माय गॉड, इज गोइंग ऑन हियर. सबर सबर सबर, मैं देख रही हूँ कहाँ जा रहा है मेरा लिंक. कहाँ गया? नो लिंक येट. देयर यू गो, इज इट शोइंग? ओके दैट्स द लिंक, कैन यू सी नाउ? भट्टी जी आ गए. देखो भट्टी जी को पता चल गया. एड टू स्ट्रीम. हेलो हेलो, कहाँ गए भट्टी जी? चले गए. ओके हाँ, अब आ रहा है. डिवाइस नॉट कनेक्टेड. एड टू स्ट्रीम. हेलो एबीसी. आके चले गए, क्या हो रहा है भाई? आइए, सिर्फ शक्ल दिखाने आ रहे हैं आप लोग. वी कैन चैट इन प्राइवेट. आई वॉन्ट टू शो यू माई मास्टरबेशन. तो अपनी माँ को दिखाओ ना जाके मास्टरबेशन. मैंने क्या कभी किसी को मास्टरबेट करते हुए नहीं देखा है. वो तुम ठरकियों का काम है. हमाद, इज इन द लिंक शोइंग ऑन माई स्क्रीन? आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट उज्मा ऑलरेडी. मेरे सुबह की ब्रॉडकास्ट देख लेना, उसमें मैंने उज्मा के बारे में बात कर ली थी. हेलो विकास. वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक. आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब लाइन में आते जा रहे हैं. कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली चाइना में स्टडी करता हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट। अच्छा, और अभी कहाँ पर हो आप? चाइना में ही हो? नहीं, अभी तो हम पाकिस्तान में हैं। मैं पिंडी में हूँ बेसिकली। अभी वहाँ पे हम लोगों का सेमेस्टर भी फ्रीज हो गया। चाइना में लॉकडाउन खत्म हो गया कि नहीं? खत्म हो गया ना नहीं, वहां तो? चाइना में अभी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, और अभी वहाँ पे यानी कि जो फॉरेनर्स हैं उनको वापस नहीं आने दे रहे।
वो अभी वो कह रहे हैं कि आप अभी अपने कंट्रीज में रहे हो, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि अब वो केसेस ज्यादा हो रहे हैं ना, तो इसलिए भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर रहे फिलहाल। आप कुछ और कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, उज्मा खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप उनके केस के बारे में? नहीं, उस बारे में बस आई थिंक दोनों, मतलब दोनों पार्टीज गलती पे थी। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच पास हो जी, मैं और लोगों को भी कॉल कर लेती हूँ, थैंक यू सो मच, ओके टेक केयर। ओके, अब हम लेते हैं, इनका नाम क्या है, एड टू स्ट्रीम। हेलो जी, हेलो, कैमरा आपका नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? आई कैंट सी हिज कैमरा, व्हाई कैंट आई सी हिज कैमरा? नो, आई डोंट वांट टू किक हिम, पुअर थिंग, व्हाई वुड आई वांट टू किक हिम? नहीं, बैन भी नहीं करना है। एड टू स्ट्रीम, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? मुझे खुद नहीं पता, मगर अच्छा है ना, इस तरह से टेस्ट कर लें तो वी विल नो देन कि क्या है क्या नहीं है। साइम अली है यहाँ पर, इनको मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो कि कैमरे ऑन नहीं है आप लोगों के, क्या बात है ये? रिमूव, कॉल करें, मैं कॉल नहीं कर सकती, आपको ये लिंक दिया है ना उससे आप आ सकते हैं। सो आई डोंट नो कि व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ट्राई करो। और भी लोग आ रहे हैं नीचे, हाउ डू आई गेट पीपल अप हियर? ओके, इनको ऐड करते हैं। हेलो सुलेमान जी, क्या हाल है आपका? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कहाँ से हैं आप? बेसिकली राइट नाउ आई एम इन दुबई। अच्छा, यू इन दुबई, और क्या यस, कहना चाहते हैं आप? इंटरनेट नहीं सही लग रहा, इंटरनेट इज स्टक, आपका इंटरनेट सही नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, इनको भी ऐड करते हैं यहाँ पर। हेलो यूडी, हाउ आर यू? यस मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका, फुल नेम बहुत बढ़िया बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? जी। मेरा नाम है उत्पलादित्य, मैं अभी एटलांटा में हूँ और मैं इंडिया से हूँ, अच्छा, आप यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए जी। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा, क्या सिचुएशन है अटलांटा की? यूएस की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। जी, सिचुएशन तो बहुत सीरियस है अभी फिलहाल, वो प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो, और COVID-19 तो है ही साथ में, तो हालत सीरियस है अभी। हम आप तो लोग अभी घरों घर में पे ही बैठे बंद हुए हैं हैं? पिछले 2 महीने से। यस, घर पे ही हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, ये जो केस चल रहा था उज्मा खान और उस्मान और इन लोगों का, जी, आप फॉलो कर रहे हो? मैं अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में। अच्छा चलो ठीक है, कोई अच्छा ही बाकी है, अच्छा ही है, ऐसे ड्रामों से पीछे रहे तो ज्यादा बेहतर जी 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 सही है। कह रहे हैं। ओके चले ठीक है, मैं और लोगों को कॉल ओके लेती हूँ, ओके सो ओके, मच, बाय बाय। ओके बाय। ओके, और कौन है यहाँ पर? सुलेमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आपका नाम और आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ, अभी दुबई में हूँ। अच्छा, और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, यही तो कोविड चल रहा है 19। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उज्मा खान के इस स्कैंडल के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में? उसके साथ अगर ये रियल है तो उसके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हो, ये सब लोग जो बैठकर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और उस्मान को कुछ नहीं बोल रहे, आप क्या कहना चाहोगे कि इस सिचुएशन में कितना मर्द कितना कसूरवार है? नहीं, अगर गलती तो उन दोनों की है, मगर अगर वो लड़की जिसने इल्जाम लगाया है उज्मा खान पे, तो अगर वो उसमें इतनी कुछ है तो उसका हस्बैंड क्यों गया है उसके पास? नहीं देखो, वो यू नो बात ये नहीं होती है कि उसमें क्या है क्या कमी है,
जिसको जाना होता यस है ना, जिसको बंदे को और चाहिए होती है ना, तो उसको सब कुछ मिल भी रहा हो तो भी वो चला जाता है, तो इसमें हम आमना को नहीं यस कह सकते भाई उसने कुछ करा है या वो। मैं पूरी सिचुएशन में देख रही हूँ कि आमना को गालियां पड़ी, उज्मा को गालियां पड़ी, मगर उस्मान यस को कोई कुछ नहीं कह रहा है। हालांकि गलती उस्मान मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसी की है कि वो बाहर क्यों गया शादीशुदा होकर दूसरे। वो बात ठीक है, मगर औरत की कोई इज्जत नहीं है हमारे माशरे में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो है ऑफ कोर्स। चलें ठीक सही है, मैं बात है दूसरों को कॉल पे वो। लेता। ओके थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाय सुलेमान, अब आपका हाय, नेट ठीक चल रहा है? हाय, मेरा नेट सही चल रहा है बिल्कुल। हाय, अच्छा कहाँ मैं से हो कल से आप? डबल ट्रिपल जब ओवरलैप होता है तो उसकी वजह अच्छा से एसी, कहीं पे डिस्टॉर्शन आ जाती है। मैं कल से अच्छा एसी देख के लग रहा है पाकिस्तान से हो। हाँ पाकिस्तान से ऑफ कोर्स 100% पाकिस्तानी, 100% पाकिस्तानी। तो हाँ आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम क्या है? सुलेमान, राइट? ओके, क्या कहना सुलेमान चाहोगे जी इस बारे में आप? यार, ये मैं तो इस तरह देखता हूँ कि देखो, अगर ये एक मामला है किसी फैमिली का, इंटरनल मामला है, तो इसको इस तरह पब्लिसाइज करना और अपनी फैमिली को भी और दूसरी फैमिलीज को भी डिस्टर्ब करना, इट्स नॉट राइट। अगर ठीक है, उज्मा खान वाज हैविंग सम रिलेशनशिप आउट ऑफ मैरिज विद उस्मान मलिक एंड वॉट एवर, सो उस्मान मलिक्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन सो मच पब्लिकली कि वो जाके जी वीडियो बनाए। ठीक है भैया, तुम्हें काम जाके करना है, तुमने जाके एक्शन लेना है। आई थिंक बींग अ वाइफ शी हैड अ राइट टू डू दिस थिंग, शी हैड अ राइट, बट अगेन शी शुड नॉट हैव गॉन पब्लिक लाइक दिस। अब लाइक व्हाट मैं डस कहती शी, हूँ कि वायलेंस नहीं आना चाहिए था ना। देखो वायलेंस ठीक है, बहुत देखो सारी औरतों हाईलाइट, पर लोग करते हैं और गुस्सा चढ़ता है, मगर हाँ अगर देखिए, अगर यही चीज यहाँ होती ना बाहर के मुल्क में, तो कुछ नहीं, मलिक प्रेसिडेंट की बेटी होती ना तो उसको उठा के जेल में डाल देते, बिल्कुल यू सही नो। है। मैं यहाँ पे सो जो बिल्कुल वायलेंस किया जाता है, आई डोंट थिंक कि वायलेंस सॉल्व्स एनीथिंग। अभी यहाँ यूएस में भी इतना वायलेंस हो रहा है, लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एग्जैक्टली, वायलेंस नेवर वायलेंस सॉल्व। वायलेंस नेवर सॉल्व। लाइक देर वॉज अ पोस्ट, समबडी सेड के वो एक बंदे को मार दिया तो ये इतने 33 स्टेट्स को उन्होंने फ्रीज कर दिया है, इतनी वायलेशन वायलेंस हो रही है। तो किसी ने पोस्ट किया था कि वो 9/11 का वाकया हुआ तो उस पर आपने पूरा मिडिल ईस्ट को जला के रख दिया, तो उससे का आपको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। वायलेंस डज नॉट गिव एनीथिंग, वार्स डज Right. नॉट वार डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज कश्मीर का, फलस्तीन का, बहुत बड़े बड़े दुनिया के मसले वो कब के सॉल्व हो गए होते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट हैव गॉन पब्लिक विद अ मैटर विच इज अ वेरी इंटरनल फैमिली मैटर, राइट? अ ये बींग अ तो है। वाइफ, यू हैव द राइट टू गो एंड प्रोटेस्ट एंड बीट अप द गर्ल हु इज मैसिंग अप विद योर फैमिली। येस यू हैव दैट राइट। ओके, यू डू वॉट एवर शिट यू वॉन्ट टू डू, बट यू हैव नो राइट टू ब्रिंग इट ऑन द पब्लिक। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी की बात अगर एक बेडरूम में रहे तो वो ज्यादा सुकून रहता है। देखो मियाँ बीवी में हर एक में शौहर में लड़ाइयाँ तो होती हैं, डिफरेंसेस आर देयर, दे आर टू ह्यूमन बींग्स, तो डिफरेंसेस आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही, बट इट डज नॉट मीन कि तुम उसको लाके बीच चौराहे पे लाके, वो जो होते हैं ना कहते हैं हांडिया फोड़ दी तुमने, वो वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? इट डज नॉट मेक सेंस। वो बदनाम उसको करना था मगर वो गले में उनके खुद पड़ गई। एग्जैक्टली चलो एग्जैक्टली, इट बैक फायर। थैंक ठीक है, आई हैव लाइक यू सो वेरी मेनी, मच। ठीक है, थैंक या यू, माय आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। फेवरेट पर्सन इज नाउ ऑन द कॉल। हमाद, हाउ आर यू? वालेकुम, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है जी? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट आई एम टॉकिंग टू यू आफ्टर अ स्मॉल चैट दैट वी हैड। या आपकी क्या, तबीयत कैसी है? खैरियत मेरी तबीयत ठीक है, मैं भी गई थी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा कर, मैं आ गई। अच्छा इट्स गुड। सो नहीं, दैट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। आपने मुझे 1,500 बंदे के सामने फेवरेट पर्सनैलिटी का है, दैट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी मैम, दैट इज सो काइंड ऑफ यू। आपकी तबीयत लेकिन ठीक फिर है? कहते हैं ना, पाकिस्तानी मर्दों को गालियां दे रही होती हूँ, मैं हर किसी को नहीं देती हूँ। बहुत सारे हमाद हो गए, इतने सारे लोग आए, सारे पाकिस्तान से हैं, मर्द हैं, अच्छे हैं, बात करते हैं, गालियां नहीं देते ना ये लोग मुझको, तो मैं इनको फिर गाली क्यों दूंगी?
मैं कहती हूँ कि जिस जो जो मुझे यहाँ गालियां लिख रहे हैं, अगर आप लोगों के अंदर दम है तो आओ आप लाइव आके मेरे को गाली दे के दिखाओ। अब डू यू देखना माइंड कोई नहीं इफ आएगा आई इनमें स्मोक? से। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई स्मोक? नो आई डोंट, आई डोंट माइंड। एक्चुअली की प्रॉब्लम ये है, मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था, तो हमारे तो हम मतलब हर एजुकेशन की सबसे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात डिग्री, और ये नहीं होती आपने डिग्री ली, आपने नौकरी कर ली, आपको एक जायल में और तालीम याफ्ता में क्रिटिकल एनालिसिस का फर्क होता है। हमारी कॉम में अफसोस ये है कि वो नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से। आप दूसरा एक बड़े मजे की मिसाल है जी, मैं ज्यादा, आई एम नॉट अ वेरी पोलिटिकल पर्सन, आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। डू यू माइंड इफ आई से समथिंग फॉर अ मिनट और टू? नो नो, गो अहेड। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये जी कि लॉ कानून इसलिए बनाया जाता है कि आप गलियों में फैसले ना करो, अदालतें हो, और स्टेट का पहला काम होता है अदालतें चलाना। स्टेट का काम डैम बनाना नहीं होता, रोड बनाना नहीं होता, सबसे पहले इंसाफ करना होता है, जिस तरह घर का बड़ा होता है। तो हमारे यहाँ अफसोस ये है कि एक आदमी ने इल्जाम लगा दिया, उसके साथ 2 लाख लोग जमा हो गए, बस वो आदमी का लोगों की नजरों में मुजरिम हो गया। तो जो मेरे ख्याल से जो उस्मा खान ने किया एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर, उन्होंने अपना बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, हम लॉ में एक चीज कहते हैं, वो खत्म हो गया उनका। अगर आपसे जुल्म हुआ, आप पहले कोर्ट का अप्रोच करो। कोर्ट ये कहता है कि जी, जो पहले अप्रोच करेगा मुझसे मजलूम, उस वक्त थोड़ी देर तक तसव्वुर करेंगे जब तक तो ट्रायल शुरू नहीं होता। दूसरा, लॉ में एक चीज होती है, उसे कहते हैं जी प्राइम ऑफ शाही, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में जो चीज नजर आती है, जो कोर्ट के सामने या इंसान के सामने आती, जरूरी नहीं है वही हो। अब तो ये इसको अदालत में जाना चाहिए था मैटर का, वहां ट्रायल ना चलना चाहिए था, एविडेंस होना चाहिए था। इस्लाम भी ये कहता है कि जी, आप एविडेंस की बेस पे आप फैसले करें, बाकी अल्लाह के हाथ में है फैसले करना। तो आई तो एम मेरा वेरी वो सॉरी। है ना कि वायलेंस प्रमोट करना, जैसे कि अगर मैं किसी को पार्टी में भी जाना था, अगर वो जाती वहां पर दोनों को साथ में रिकॉर्ड करती और वो जी जाके जी मीडिया पे डाल देती, सोशल मीडिया पे कुछ करती नहीं, तो 100% उस वक्त केस जो है उसके आमना के हाथ में होना था। देखिए, मैं क्योंकि आपको एक वो बात एक दैट यू नो शी लॉस्ट हर होल थिंग, क्योंकि हर कोई कहता देखो बीवी पे जो है गलत हो रहा है, बीवी के साथ गलत हो रहा है। और जो सेटलमेंट पे देखिए बोल रहे हैं ना लोग, तो मैं यही जी कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेटलमेंट हो जाता है, कोर्ट में जाने से पहले सेटल कर लेते हैं लोग, ताकि मैं आपको लॉयर एक फिर मिसाल यू दूंगा, मैं आपको एक नो। शॉकिंग मैं आपको एक शॉकिंग मिसाल दूंगा, दी शॉकिंग मिसाल लॉ की मिसाल है। हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे आप रियासत को कोई इन्वॉल्व नहीं कर, स्टेट को कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा इंसाफ मांगने के लिए। मेरे चाचा हैं, वो हैमिल्टन से हैं, अभी यहाँ फंस गए बेचारे लॉकडाउन में। वो किस्सा करते हैं, कहते हैं मेरे से गलती से कुत्ता मर गया, कुत्ता जख्मी हो गया रोड पे कैनेडा में, हैमिल्टन में। कहते हैं मैं 2 घंटे बैठा रहा हूं थाने में, ये प्रूफ करते हुए कि मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने कैमरा लगाया। तो इंसाफ नजर होते में नजर आना चाहिए, यहाँ पे इंसाफ नजर नहीं आता। मैंने एक करोला यहाँ पे खरीदी थी जी, कैन आई शेयर दिस लास्ट थिंग विद यू, आई विल टेल यू द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर। आई एम अ लॉयर, ठीक है जी, मैंने वकील को फीस नहीं देनी, मैंने किसी को रिश्वत नहीं देनी, मैंने बहुत मुश्किलों से, ट्रस्ट मी, यहाँ गाड़ियां बहुत महंगी हैं, मेरे चाचा के पास वहां पे कैमरी है, उतने पैसों में यहाँ पे करोला आती है। मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसने भी वहां पोर्श लिया है टोरंटो में, मैं नहीं अच्छा अफोर्ड कर सकता, यहाँ पे 5-6 करोड़ की गाड़ी है। अल्बत्ता खैर, मैंने पैसे जमा करके करोला लिया, उसमें लिखा था इसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट सिस्टम, एयर बैग है। मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया बहुत गंदा, मुझे बस ने आके अटक गया, मुझे अल्लाह ने बचाया, गाड़ी खत्म हो गई, एयर बैग नहीं डिप्लॉय हुआ। मुझे आके उन्होंने धमकियां शमकियां लगाई, मैंने कहा भाई मैं तो वकील आदमी हूँ, धमकियां नहीं समझता। इट्स बीन 5 मंथ्स मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा एविडेंस क्लियर के साथ। तो जब तक आपकी स्टेट जस्टिस नहीं करेगी, जब माँ या बाप घर का फैसला नहीं करता, फिर बच्चे आपस में लड़के फैसले करते हैं। हाँ और आई ये तो, थिंक जी जब कानून नहीं आएगा ना तो फिर लोग अपने कानून हाथ में लेते हैं चीजों को, ऑफ कोर्स। मगर जी इस मामले में क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल बंदे का केस था, इस वजह जी से उन्होंने पैसे दिए या जो भी किया डील कर कर आके उन्होंने मुकमुका कर लिया। उन्होंने कहा बस छोड़ो जो भी है करके खत्म करो, हाँ वरना सर, शायद यही हो रहा है जिन जिन लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, यहाँ पे बहुत लड़कियों के हम रेप के केस देखते हैं, जिनके साथ वो डर के मारे आगे आती ही नहीं है। तो जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं, ये शेयर हो जाते हैं, आप उनको क्यों शेयर होने देते हो? आपको अदालतों से मसले, भाई आप अदालत जाओ, आपका आपस का झगड़ा मल्ले में फैसले क्यों करते हो? आप टैक्स किस बात का दे रहे हो? फिर अदालतों में लोग क्यों बैठे हुए हैं, हम वकील क्यों बैठे हुए हैं? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आप करें। अब आपके इंग्लैंड में इतना स्ट्रिक्ट कानून है, इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर भी क्राइम करता है, वो पकड़ा जाए, उसे भी हथकड़ी डाल के अंदर डाल देंगे। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर भी
यहाँ का भी जो लॉ सिस्टम है ना, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैंने देखा है ना कि किस तरह से लॉयर्स इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिले हुए होते हैं, किस तरह जी, से वो जो तो है ना करप्शन बहुत हो गई है यहाँ भी, टू बी ऑनेस्ट. देखिए अभी वो देखिए आप जैसे ये था उसमें देखो उसको कितने अरसे तक उसको बचाया गया, और यानी बड़े बड़े लोग उसमें जो थे इन्वॉल्व थे, दैट्स व्हाई उसका केस उसको मार ही दिया. क्योंकि अगर वो बोलता तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प से लेकर सबकी जो है ना उसने खोल देनी थी, तो उसको मार ही दिया. लेकिन सो मेरी अल्लाह बख्शे, हाँ अल्लाह बख्शे मेरी नानी कहा करती थी कि हमारे जमाने में भैंस 2 रुपए की हुआ करती थी, हाँ आज 2 रुपए की टॉफी भी नहीं आती। दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी जनरेट होगी। हम पुराने जमाने में मोबाइल्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, जितनी कलेक्शंस थी। आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको घर पे ला के ड्रॉप करेंगे इफ यू हैव मनी। इट्स कैपिटलिज्म, तो उतना ज्यादा हाँ फिर कैपिटल फ्लोट कर गया, फिर इंसान की हवस ज्यादा हो गई है, पेट दी भूखा, आंखें भूखी हैं जी, रात को रोटी मिल ही जाती है। यहाँ लोगों की पूरी दुनिया में आंखें भूखी होगी ना जी। देखें जन्नत दोजख हेवन हेल स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट जो है हर इंसान के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है। लेकिन नहीं, वहां वहां पे लोग तालीम याफ्ता हैं जी। मेरा पार्टनर बिजनेस बता रहा था मुझे, बिजनेस पार्टनर टोरंटो में, वो कह रहा था यहाँ पे सोशल लॉकडाउन हमने खुद किया, हम पे कोई फौजी शौजी नहीं आके इम्पोज किए गए, ना हाँ पुलिस नहीं, आई है। तो मैं यहाँ बैठ के देखती रहती हूँ, लोग वॉक पे जा रहे होते हैं, खुद ही डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को. यू नो एक कोई तो मैं भी जाती हूँ बाहर, खुद ही डिस्टेंस पे हैं. यू नो अभी मैं बाहर गई थी, दे डू इट देमसेल्फ. उनको कोई छत्तर लेकर नहीं मार रहा होता कि भैया भोपू लेके नहीं खड़ा है, भाई डिस्टेंस कर लो. ओके चलो, हम आज ही और भी लोग बैठे हैं, थैंक कॉल यू, प्लीज, थैंक यू, अ प्लेजर, थैंक यू, सो पर. काइंड ऑफ थैंक यू, थैंक यू सो मच, यू, रियली सी या। अप्रिशिएट इट. ओके बाय. अब हम ऐड करते हैं लोधी जी को. लोधी जी आपकी तस्वीर नहीं आ रही है. हेलो 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 हेलो, कहाँ गए? दो तीन लोग थे, वो लोग भाग गए आई गेस, क्योंकि ओके सो जिसको गाली देनी है ना, नीचे बैठ के गाली मत दो. आपको गाली देनी है ना, आप मुंह पे आके मेरी गाली दो ना, फिर मैं आपको मानूंगी. फेक प्रोफाइल से गाली मारोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. किसको आना है कॉल पर? लिंक मैंने सामने ही डाला हुआ है, दिख रहा है लिंक. ये लिंक है streamyard.com DMMFERXBGA. मोहम्मद जी ऐसे नहीं होता है, आपको कॉल करनी पड़ेगी. हेलो, वीडियो कॉल करो, आप इधर आओ, लिंक पे क्लिक करो, फिर मैं आपको ऐड कर सकती हूँ. सुलेमान जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. आप अभी भी यहीं पे रहो तो आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. आई डोंट नो हाउ टू डिस्कनेक्ट दिस. देयर यू गो, थैंक यू. अच्छा, जिसको करनी है बात, लिंक ऊपर पड़ा हुआ है, दिख रहा है लिंक तो, दिख रहा है ना लिंक तो, दिख रहा है. नो वन आई थिंक. क्या मतलब नो वन आई थिंक? आई गाइज, आई नीड टू गेट अ मसाज, मुझे मसाज के लिए जाना है. हाउ इज यू, हाउ इज एवरीथिंग इन कैनेडा? कैनेडा इज गुड. कैनेडा में ऐसा ऐसा चीजें खुल रही हैं, सिवाय स्कूल्स और क्या क्या चीजें बंद हैं अभी भी. स्कूल्स बंद हैं, स्पा सलॉन्स ये चीजें बंद हैं, यू नो मसाज प्लेसेस बंद हैं. रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, मगर आप सिर्फ क्या कहते हैं टेक आउट ऑर्डर कर सकते हैं. अब ये तो वही आंटी है, मेरा जैसे मेरी मर्जी. हाँ मैं वही हूँ जैन, मैं वही हूँ, वेलकम. कनाडा कोरोना अपडेट. कनाडा में जब से खोला है इन्होंने, थोड़े से केसेस ज्यादा हो गए. वैसे मैं न्यूज देख नहीं रही हूँ, मैं न्यूज नहीं देख रही हूँ, क्योंकि इतनी डिप्रेसिंग हो जाती है रोजाना, कितने लोग मर गए, कितना ये हो गया, और अब वो ब्लैक लाइव मैटर का जो चक्कर चल रहा है, यानी इट्स टू मच, और मुझसे हैंडल नहीं होता इतना. इतनी नेगेटिविटी देख देख के ना दिमाग खराब हो जाता है. हेलो, चलो भाग गए हैदर जी. नो लिंक शो मेरे स्क्रीन पे. आपको लिंक नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा लिंक? हेलो, कौन है? हेलो, जी जी वालेकुम सलाम. आपका कैमरा ऑन नहीं है? हेलो, जी आप कैमरा ऑन करेंगे अपना? थैंक यू नहीं सरोज. है यहाँ पे। चलें ठीक है, फिर आपको हम बात नहीं कर सकते, कैमरा दिखा के बात की जाती. हाय सैफ, हाउ आर यू? हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड डाउन साउथ इंडिया, केरला। यू आर फ्रॉम इंडिया? हाँ, फ्रॉम केरला है. क्या हाल है आपका? I'm fine. Actually, I don't follow Hindi or Urdu much, but I can understand. You can speak in Hindi or Urdu, no issues, but I will be replying in English. No, I can speak in English. I speak fluent English. Yeah, I used to follow your links from long back, but I was a silent listener.
Oh, you're a silent listener. So what do you like to say today? Pardon, come again? What would you like to say? I just want to try this one stream yard actually. You were talking about some issues in Pakistan. I have no idea about that issue, so I'm sorry. I just want to try this streamyard.com. What is this? Yeah, anyways, it's good. I have a guest coming in tomorrow. He's a singer. So that's why I was trying this to see how it will work out, you know? Yeah. So anyways, pleasure meeting you over this platform. Thank you. Thank you so much. You have a great day. Okay. Bye-bye, Seth. Bye-bye. कोरोना वायरस एक झूठ है पूरी बेवकूफ का पता नहीं भैया लोग मर भी रहे हैं उससे ऐसा तो नहीं है मेरा आप मेरा लिंक पकड़ लो क्यों भैया तुम अपनी माँ का कोरोना गाइस यू यूजिंग बैड लैंग्वेज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक यू डोंट लाइक हर फेस एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर थैंक यू मिर्ज़ा जी मैं तो बोल बोल के थक गई भैया रोजाना आ जाते हैं मेरी शक्ल पसंद नहीं है मगर रोजाना देखने जरूर आते हैं जो नेगेटिविटी इंडिया में है उसका क्या मुस्लिम को तंग कर रहे हैं स्पॉइल होना इंडिया का फ्यूचर है फिजा शब्बीर जी आपको नहीं पसंद उन लोगों को नहीं पसंद ना तो वो पाकिस्तान में आगे क्यों नहीं रहते पाकिस्तान बनाया तो है मुसलमानों के लिए मुल्क वहां के रह लो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं जिन पे जुल्म हो रहा है यू नो वोट के क्या करते हैं वो इंडिया चले जाते हैं भैया आपको नहीं पसंद आप जाके अपने मुल्क में बैठो जहाँ पर सब कुछ आपके मुताबिक है सिंपल है सिंपल सोल्यूशन है इसकी इसकी कोई इतनी मुसीबत वाली सलूशन नहीं है आप उठाओ अपना बोरिया बिस्तर उठा के पाकिस्तान चले जाओ बस हाउ मच फॉर 20G पहले 20G भेजो फिर बताती हूँ क्या आप लाइव आने की वजह बता सकती हैं जस्ट बिकॉज़ आई एम बोर्ड सब लोग बोर्ड हैं लॉकडाउन में है तो लाइव क्यों नहीं आए गाइज लिंक जो है सामने पर लिखा हुआ है उस पर आते हाउ मच फॉर 100 ग्राम शफकत में बस मत मारो ना गोलियां मत मारो तेरे पास 100 रुपीज नहीं होंगे इस वक्त तू 100 ग्राम्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल 100 ग्रैंड होते हैं 100 ग्रैंड तुम्हें पता भी है कि 100 ग्रैंड होते कितने हैं वालेकुम सलाम ताहिर लिंक किधर है सामने लिखा हुआ है देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लिंक सामने आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है यहाँ पर ये लिंक दिख रहा है ये लिंक दिस इज द लिंक ओके इसको आप टाइप करें एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ मगर इट It's not going. I don't know. यहाँ पे दिख रहा है कि देखो मैंने अभी मैंने करा है तो तुम्हारा नैप का है पाकिस्तान क्या मतलब हेलो प्लीज गाइस उस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो होता ही नहीं कुछ पता नहीं मोइज जी फिर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी आई हैव नो आइडिया मगर यही लिंक है जो आपको मैं भेज रही हूँ ये लगा हुआ है इस पे आपका नो शो लिंक इतने सारे लोग आए हैं ये लोग तो लिंक पर क्लिक करके ही आए हैं ना लिंक पर क्लिक करके ही आए हैं ना तो फिर लवली बूट्स कैन आई से समथिंग इफ यू डोंट हैव एन इशू बोलो बोलो गुरफान आई डोंट अंडरस्टैंड क्या लिख रहे हो आप सही तो एक हाथ से लिखना बंद करो आई एम ज़ैनब हाय ज़ैनब एक हाथ से लिखना बंद किया करो वरना ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिख रहे हो वुड यू एवर कम बैक टू पाकिस्तान मे बी आई डोंट नो अगर सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है ऑफ कोर्स आई विल कम बैक मैं बता के थोड़ी आऊंगी आपको क्या लगता है पूरा ढिंडोरा पीट के आऊंगी या पाकिस्तान आ रही हूँ नहीं भैया चुपचाप आते हैं घूमते फिरते हैं निकल जाते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा वालेकुम सलाम इमरान लिंक ओपन नहीं हो रहा अच्छा भाई आई डोंट नो क्या हो गया है नहीं एक बंदे आए हैं ना यहाँ पर डिवाइस नॉट कनेक्टेड I guess we'll need to connect the camera. Shahzad ji, aapko apna camera aur mic pehle connect karna padega, phir aap dikhoge. Tumhare nap kaha hindo se. Mohammad ji, I don't understand. You need to enlighten yourself. Pakistan mein nahi ho raha zulm musalmano par. Sana ji, main khud Pakistan se na isi wajah se bhag kar aayi hu ki ek minority religion se main thi aur hamari life ko jo na khatra tha to aap ye baat to apni andar hi dal lo okay na ki wahan pe minorities ko jo hai rights diye ja rahe hain aur sab kuch ho raha hai so let's not talk about that topic kyunki aapko khud kuch main phir gaali deti hu na loda aapko pata nahi hai aap aake muh khol ke bakwas karni shuru ho jati ho acha acha jaas ji aapki shakal dikh rahi thi kahan gaye chale gaye aap hello हेलो
Okay. Hello. Namaskar. How are you? Namaste. How are you? I'm good. Thank you for having me here. No problem. की शक्ल देखो कितनी पॉजिटिव खुशी वाली शक्ल है. आई स्वर टू गॉड लुक एट हिम. इसको देखकर ही खुशी हो जाती है बंदे को. थैंक यू सो मच जी. माय प्लेजर. तो मैं आपको बहुत दिनों से देखता आया हूँ. मतलब रेहान भाई ने जो है आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, तब से आपके बारे में पता चला. तो इट्स ऑलवेज सो एंटरटेनिंग एंड एनलाइटनिंग टू सी यू. आप कहाँ से हो? जी मैं नेपाल से हूँ और मैं इस वक्त बैंगलोर में रहता हूँ. अच्छा, नेपाल में क्या सिचुएशन है कोरोना की इस वक्त? हमें सुनने में नहीं आता इतना न्यूज में ना. जी अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं बट अभी तक तो कंट्रोल में था. तो लॉकडाउन नहीं किया वहां पर? लॉकडाउन किया था बट मतलब केसेस तो ग्रो होने ही थे. बस है कि लॉकडाउन से आप स्लो कर सकते हैं, यू कैन नॉट रियली स्टॉप इट. अच्छा आप क्या कहना चाहोगे? जी तो मैं एक एथिस्ट हिंदू हूँ और मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है धार्मिक नास्तिक, उस पर कुछ वीडियोस हैं. तो मैं कुछ आलिमों से जो है बात कर रहा था, इस्लाम समझने की कोशिश कर रहा था. तो अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एक सीरीज जो है मैंने स्टार्ट किया था और अच्छा. उसमें मैं आलिमों से ही बात करके समझने की कोशिश कर रहा था कि इस्लाम क्या है. तो वही अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि इस्लाम जो है वो एक इस्लाम नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरीके के इस्लाम है. आप जितने मुसलमान से बात करोगे आपको कुछ हद तक उतने तरह के अलग अलग इस्लाम मिल जाएंगे. तो मेरा अल्टीमेट डिडक्शन अभी तक यही है कि देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ पीस बिकॉज दे विल कीप ऑन फाइटिंग ऑन माई इस्लाम इज द करेक्ट इस्लाम. एंड इसी का एक रीजन है कि अभी तक शरिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं ला पाए और कभी ला भी नहीं पाएंगे, बट लड़ते रहेंगे और वहाँ की आवाम जो है परेशान होती रहेगी. अभी जो आप जो केस की बात कर रहे थे, वकार ने कहा है ना कि शरिया लाना है पाकिस्तान में, शरिया लाएंगे वो पक्का पाकिस्तान में. तो मैं कहती हूँ ठीक है लाएं आप पाकिस्तान में, देखें फिर क्या होता है उसके बाद. मैं सिंपल डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी ऑफ माइंड. वहाँ पे बहुत सेक्युलर लोग भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव लोग भी रह रहे हैं, वहाँ पे वो हैं जो बीच में भी हैं, यू नो. सो there is so many people. आप हर किसी के ऊपर शरिया नहीं ला के सर पे डाल सकते हो, and it will not do good for Pakistan. Exactly. और nature जो है वो diversity पे बना हुआ है. अब मेरे चेहरे जैसा जो है दूसरा इंसान almost impossible to find. Mindset तो same मिलने it's impossible. तो nature जो है वो diversity पे ही काम करता है. That is how nature works. और आप nature के खिलाफ जाएंगे तो nature आपको तोड़ देगा. आप कितना भी बड़ा बांध बना लें but आपने nature के खिलाफ बनाया हुआ है तो it's going to break it. So that is what is happening. And आप पाकिस्तान ये जो टू स्टेट टू नेशन थ्योरी जो लेकर के आए, तो अब वो खुद ही मुसलमान देख लेना कि क्या हुआ टू स्टेट थ्योरी लाने से पाकिस्तान में क्या हालत है मुसलमान के. तो मैं सिंपल सब में यही कहता हूँ कि मुस्लिम्स देमसेल्व्स आर द ग्रेटेस्ट विक्टिम्स ऑफ इस्लाम. आई से दैट टू. सबसे ज्यादा इस्लाम के अंदर जिन पे जुल्म होता है वो मुसलमान खुद ही उन्हीं पे होता है सबसे पहले. जी और ये जो है मतलब बातों को नहीं समझ के हमें किताबें नहीं पढ़नी है और बस ये कहना है कि हम ही जो है सबसे दानिश्वर, हम ही जो है सबसे नॉलेजेबल लोग हैं और हम ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे और तुम तो जहन्नम में जाओगे और इस तरह की बातें करना और लोगों को जो है मतलब बातें सिखाना, तनकीद देना, आपके जो है कमेंट में आकर के गालियां देते हैं जबकि आप उनकी उस आवाम के लिए कितना बड़ा काम कर रही, कितना अच्छा काम कर रही उसको नहीं समझना है और आपको आकर के जो है लेक्चर देना है और आपको कहना है कि जहन्नम तुम्हारे लिए है वो और खुद जो है सबसे बुरे बुरे काम करेंगे. तो यही जो है उल्टा है ना कंप्लीटली. लाइक द बैड पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ रिलीजन. हाँ वो तो है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मे बी वी कैन डू अ ब्रॉडकास्ट यू नो फॉर यूट्यूब एक दिन, यू नो डू समथिंग प्रोग्राम ऑन इट. चलो ठीक है. ओके टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू. बाय बाय. Nishant ji, how are you? Hey, I'm good. How are you? Can you hear me? I am good. आप कहाँ से हो? मैं मुंबई. जी मैं आवाज आ रही है. मुंबई इंडिया. मुंबई इंडिया. वाह बहुत सारे इंडिया से भी लोग आए हैं. तो आप क्या कहना चाहोगे? बस सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट आपको करना चाहता हूँ. आपकी जो सबसे आपने पिनअप पे जो अपना वीडियो लगा रखा है और आपने एक emancipated woman की तरह आपने एक आवाज बनी हुआ.
गालियां पड़ी, और वो जिससे सब लोगों को दोबारा से महलीज का पता चला कि कौन लड़की। नहीं वो एक्चुअली वो वीडियो देख के मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने आपको हारिस के चैनल पे भी देखा था, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज ब्यूटी एंड ब्रेन्स डोंट गो टुगेदर ऑलवेज। लाइक सो थैंक यू। पर मैं देखता हूँ कि आप बहुत डिजर्निंग, मतलब बहुत समझदार हो आप, और बहुत सारी चीजें हाउ यू थिंक थ्रू। मतलब मेरे को ये समझना आपसे कि आपकी थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है, यू आर ऑल सॉर्टेड, तो जस्ट यू लर्न बाय लाइफ लेसन्स, या आप कुछ पढ़ते भी हो, या स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इट कैन नॉट बी हर 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 लड़की ऐसे नहीं होती, जस्ट लाइक हाउ यू आर। तो देखो ये बहुत चीजें जो है ना वो मैं आपको जवाब देती हूँ, बहुत चीजें तो मेरी खुद की देखी हुई हैं लाइव। अब जैसे ये बोल रही थी ना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं खुद पाकिस्तान में एज अ नॉन मुस्लिम जो थे हम लोग वहां से भागे इसी वजह से थे, बिकॉज यू आर परसिक्यूटेड, यू नो। सो आप अगर कहते हो कि है ही नहीं, अब ये नहीं मैं कहती कि सब पे है, बहुत जो मैं अभी जब वापस गई थी तो मैं एक इंडियन फैमिली है उनको देखा मैंने, वो MPPs थे, वो पॉलिटिक्स में है तो उनपे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा, यू नो। मगर जो दूसरे बहुत गरीब लोग होंगे ना, फिर हाँ उनपे होता है। तो ये कहना कि पाकिस्तान में ये है नहीं, बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर देना इज नॉट राइट। ये भी मैं नहीं कहती कि भाई और मुल्कों में नहीं हो रहा है, मगर मैं जिस मुल्क में रहती हूँ वहां पर ये है कि हर रिलीजन वाले को उसको प्रैक्टिस करने का राइट है, कि आपको अपने फेथ जैसे भी आपने घर में करना है या चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या मंदिर में करना है आप करो, यू नो, उसमें आपको कोई नहीं करेक्ट रोकता। करेक्ट तो वो जो करेक्ट रिलीजन उस पे परसिक्यूट नहीं किया जाता, यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज हैं। करेक्ट 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 नहीं सही ये बात देखें, है, नहीं कह सही रहे बात। नॉन मुस्लिम हो तो पाकिस्तानी मत कहो खुद को, यानी कि जो पाकिस्तान अच्छा में क्रिश्चियन रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, वही पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लाइक दैट राइट। क्या है, वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वाह नहीं मतलब ये थॉट प्रोसेस ये होता ही है। आई डोंट नो एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी, मैंने इतना देर लोगों को इतना मुस्लिम से भी इंटरेक्ट किया है, वैसे भी इन लाइफ भी और यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी, तो जो समझदार लोग है ना वो तो इन सब में पढ़ते नहीं है, बट जो वास्तव में लोग है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इस्लाम इज लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आप ज्वाइन कर लो और फिर आप कबूल कर लो इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, और फिर आपको उस पार्टी के सारे रूल्स फॉलो करने और दूसरे मेंबर भी ज्वाइन कराने, तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ानी है। बट उन मुसलमानों को ये नहीं पता कि लाइक इट्स 100% सब उस मुसलमान बन जाएंगे, उस दिन कयामत आ जाएगी, लाइक सो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स कयामत। और दूसरे रिलीजन और इस्लाम में मेरे को यही समझ में फर्क आ रहा है कि ऑल द रिलीजन्स वी लव लाइफ, बट इन इस्लाम लाइक मोस्ट जो सबसे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम है, दे लव डेथ, उनको तो मौत से प्यार। तो ये दो चीजें थोड़ी सी आके बोली थी ना कि इस्लाम में हर मुसलमान इस्लाम को डिफरेंटली फॉलो करता है। अब आप किसी से ही बात करोगे वो आपको डिफरेंट वर्जन देगा उसका, यू नो। अब खुद इस रिलीजन में इतने फिरके बन गए हैं, यू नो। अब खुद आप देखें कि अहमदीज अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते हैं, वरना उनको करेक्ट मार करेक्ट दीजिए। शिया सुन्नी का करेक्ट मसला चल रहा है, तो जो चीज है ना, सबसे पहले जो परसिक्यूट होते हैं ना वो मुसलमान खुद ही हो रहे हैं अंडर देयर करेक्ट ओन रिलीजन। करेक्ट सो करेक्ट और चंद लोग है ना जिस देयर ब्रेन इज टोटली ब्रेन वॉश, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको जब बचपन से एक बच्चे को आप एक चीज सिखाओगे तो वो वही उसके दिमाग में होगा, राइट। सो करेक्ट पाकिस्तान को अभी तक इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कायदा आजम ने पाकिस्तान बनाया था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया था, या उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सबके लिए है। अभी तक यही चीज क्लियर नहीं हुई है ना। और चंद कायदे आजम खुद भी मुसलमान थोड़ी था भाई, वो खुद तो उनकी मतलब लाइक वो खुद की बीवी, उसकी बेटी एक बेटी थी उसकी, वो भी पारसी थी, लाइक वो ही भी मैरिड अ पार्टी थी, पारसी एंड नो हर हिज वाइफ वाज वाइफ, एंड शी नेवर केम टू वो पाकिस्तान, खुद शी ओनली केम, मतलब जो अपनी एक औलाद को भी नहीं मुसलमान बना पाया, वो मुसलमान पूरा मुल्क कैसे बना सकता है। और दूसरी बात की उसकी पर्सनल लाइफ और जो जो लाइफ, मतलब बंदा वो 20 मिनट के लिए भी जेल नहीं गया कभी, काय का फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे जितने भी हैं कांग्रेस वाले, जिसको हम आज भी गाली वाली जितने भी देते हैं, सब सब जेल में रह के आए अच्छी खासी। पाकिस्तान के जितने भी फ्रीडम फाइटर है ना, सी कांग्रेस पार्टी इन इंडिया दे फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, बट द पाकिस्तानी गाइज ऑन द अदर एंड दे फॉट हिंदूज फॉर पाकिस्तान,
उनको इंडिपेंडेंस से मतलब नहीं था, और जैसे ही आजाद हुए जाके अंग्रेज की गोद में बैठ गए। सो दे ऑल द मिलिट्री बेसिस दे बिकेम मेंबर ऑफ सीटो सेंटो ये वो नेटो, और अमेरिका से हथियार मिलते रहे, वो करते रहे। वो आज की तारीख में उनका पूरा यूज करके वेस्टर्न पावर्स ने तो उनको छोड़ दिया चाइना के हवाले। अब चाइना जो करेगा वो 5-10 साल में सामने आ जाएगा। सो इट्स लाइक मतलब वो दैट्स अ सोसाइटी जो उन्होंने बनाई है वो इट्स बाउंड टू फेल, क्योंकि यहाँ पर आपने एक तो डिसेंट को दबाया है, कोई दूसरा आदमी कोई आपके अगेंस्ट व्यू रखता है तो मुल्क गुद्दार हो जाता है, उसको निकाल देते हैं। अभी गुलाला इस्माइल बेचारी वो यूएस भाग गई, जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसको भागना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो लोग इंडिया को गाली देके आराम से रह रहे हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और वर्सेस, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का फर्क देख लो वही है इंडिया पाकिस्तान, एक ही ब्लड है एक ही रेस है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोस टू सम आइडियोलॉजिकल और सम रिलीजन वो भी पूरा सब कुछ अलग हो चुका है। दिस इज लाइक ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं और लोगों को लेती हूँ कॉल पे। थैंक यू थैंक्स 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 सो थैंक यू मच, सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू। ओके टेक केयर। बाय, सेम यार, बाय। अब यहाँ जो चंद चूतिया लोग हैं ना, कह रहे हैं देखो इंडियन से कितनी अच्छी तरीके से बात करी, अभी पाकिस्तानी आए थे उनको क्या गालियां दे रही थी। तुम लोगों के पास दिमाग है कि नहीं? दिमाग थोड़ा उधार ले लिया करो। ओके, और मुझे आके बोल रही है कि ये तो हिंदुओं यानी वहां से इंडियन एंसेस्टर्स की है। तो भैया आप लोग भी इंडिया के एंसेस्टर्स से, ओ खुदा का खौफ करो। ओ माय गॉड, यू नो 60-70 years ago इंडिया ही था, वहीं से आपके नाना, अपने नाना नाना दादी दादा अगर जिंदा हो तो उनसे पूछ लेना कि भैया आप कहाँ से आए थे, आप कहाँ पैदा हुए थे, बस दैट्स इट। और जो गालियां दे रहे हैं, अगर आपके टट्टों में हिम्मत है ना तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। गालियां देने से आपकी बात सही नहीं हो जाती है, ठीक है ना? आ जाओ यहाँ पर, आओ बात करो। गाली देनी है तो मुंह पे गाली दो ना। हाँ अपनी क्या कहते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बन के घूमता है। इधर आओ, यहाँ आकर बात करो। बाकी जो बकवास करेंगे तो उनको तो मैं बैन कर दूंगी। अगर आपके अंदर टट्टों में हिम्मत नहीं है कि आप आके इस तरह से बात कर सकते हो, लिंक आपके सामने है, आप आके, मैंने इसी वजह से कॉल्स पे ले रही हूँ। टट्टों में बहुत हिम्मत है तो आओ ना, हिदायत तो लो, आके बात करो ना, फिर दिखाओ ना कितनी हिम्मत है तुम्हारे टट्टों में। हाउ कैन आई कम ऑन माइक प्लीज। देखो लिंक सामने ही आपके आ रहा है, वहां पर उस पे आइए। शेम ऑन योर वर्डिंग। अच्छा इश्तियाक, ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं उनको तो शर्म आनी नहीं चाहिए, राइट? मुझे ही सारी शर्म आनी चाहिए, मैं क्योंकि मैं औरत हूँ तो मेरे को ही सारी शर्म आनी चाहिए। भैया आपको जो भी कहना है आप लोग यहाँ आइए और यहाँ पर आके बात कीजिए। गाली देने से कुछ नहीं होता, आपकी बात सही नहीं हो जाती गाली देने से। वैसे कौन आना चाहेगा? देख लो, यानी अब्यूज 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 करने से आपको क्या लगता है कि आपकी बात ठीक हो जाएगी? अब्यूज करने के यही चीज। अब बहुत सारे मुसलमान हैं, मैं एक और लाइव फीड पे गई थी, वहां पे वो कश्मीर से था वो बंदा, और वो आया और उसने अच्छी तरीके से बात की, यू नो दे टॉक, वो आके बात करी उसने, डिबेट करी उसने, गालियां नहीं दे रहा था वो। ये आए हैं वासे जी, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आपकी कैमरा ऑन नहीं है, आपका कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखाकर बात करनी है। ओके, छुप कर नहीं। जी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे वासे जी? हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैमरा ऑन हेलो, करेंगे? जी आवाज आ रही है तो मैं अभी स्कूल हूँ, लाइट ऑफ है, लाइट लाइट ऑन कर लीजिए, ऑफ है। अच्छा तो ऑन कर दीजिए ना। यार, मैं तो बस बात करने चला था। मैं डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फ्रॉम यू। किस अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, बारे में? ये जो गालियां दे रहे हैं इनके बारे में बता दो, आप कहाँ से हो ये तो बताओ पहले। कराची मैं कराची से हूँ। से? अच्छा तो आप भी मुसलमान ही हो गए ना, आप मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बात बताइए कि ये कौन से मुसलमान है जिनके नीचे गालियां लिखी? यार, ये होते हैं कुछ अखंड पागल टाइप के लोग होते हैं ना, जिनमें कुछ होता नहीं है, वो टाइप लोग होते हैं। क्योंकि आप भी तो मुसलमान हो, आप भी मुझको सुनते हो, आप भी मेरे फैन हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये किस टाइप के कहाँ की रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते जो इस तरह से बात करते,
मेरे ख्याल से। मुझे पता है, that's why I'm here to talk to you. चले ठीक है बाजी जी, थैंक यू सो मच। आपने पर्सनल बात करनी थी। मैं बहुत टाइम से आपकी लाइव वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ, पर मैं ये इंटरेस्ट शो करना चाहता हूँ कि आप वीडियोस में ना पॉपुलैरिटी नहीं दिए शो किया करें, मतलब जो इग्नोर करते हैं ना लोगों को, आप इग्नोर किया करें कुछ लोगों को, आप इससे अपनी इमेज नहीं खराब करा करो। नहीं मैं कभी कभार मैं रोस्ट करती हूँ इनको क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्टेंट मिलता है, मगर देखो ना मैं एक बात बताऊँ ना आपको कि जब कितने साल हो गए, अब मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मिस पाकिस्तान किए हुए ना, और ये अब्यूज और जो हरासमेंट, इसे कहते हैं बुलिंग एंड हरासमेंट ऑनलाइन, और इसके ऊपर ना हम लोगों को, लड़कियों को स्पेशली, हम लोगों को एक कैंपेन चलानी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी, मैं चलो मैं तो कभी इस्लाम वगैरह पे मैं इतनी बात नहीं करती हूँ, मैं कुकिंग कर रही होंगी या मेकअप कर रही होती हूँ, मगर ये लोग आकर जो घुसेड़ के और अपनी ये शुरू करते हैं ना, So, यार कुछ मेंटालिटी ऐसी, आप बोले। मैं कहती हूँ कि अब जो है ना लड़कियां चुप नहीं रहेंगी, लड़कियों से मैंने भी बात की है जो आकर ना वो that's right. कितनी दफा सुनेगा, कितनी दफा सुनेंगे हम लोग, यू नो एक सुनने की हद सही बात है। बंदा जो है जो ब्रॉडकास्टर यहाँ बैठा आपको एंटरटेन करने के लिए, तो आपको टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, और आप बस आके वही बकवास लिखे हुए हैं, यू नो। और अब मैं तो इनको कह रही हूँ आप आओ यहाँ पर बैठ के हिम्मत है तो आके सामने बात करो ना यार, ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप बहनों को भी गालियाँ देते हैं, दैट्स इट। नहीं माँ बाप तो इनको छितर पड़ते होंगे घर पे, हिम्मत ना होगी जो बात है बस इसलिए जब इसलिए आप लोग आप जैसे लोगों से इस तरह कॉन्टेक्ट होते हैं। दुबई और इंडिया का चक्कर मुझे लगाना है, दो जगह मुझे जरूर जाना है, आई विल डेफिनेटली गो देयर। चलो लेट्स कांटेक्ट मी, मुझसे आप कांटेक्ट कर लें ऑन फेसबुक, आप मुझे अपना व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, फिर हम कनाडा में मीट कर लेंगे। ओके चलो ठीक है, वैसे मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह किसी को नहीं देती हूँ ना, मैं लोगों से मिलती हूँ जस्ट बी साल। हेलो रॉक, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, I was listening to you like the whole time, और आपके कुछ point of view जो आपका है वो अच्छा भी है वैसे, respect भी करता हूँ, लेकिन आप हमेशा से जो ये बात करती हैं ना बहुत ज्यादा female empowerment के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, मैम मेरी फैमिली में मेरे जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने मेरी सिस्टर्स की एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाया, मैंने स्कॉलरशिप से ऑप्टेन की, मैं फास्ट में पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ बहुत टफ रही। तो आप जो बात करती हैं वो मे बी 1% हो, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज बदल रही है। हमारे सिविल सर्विसेज में लड़कियों को कोटा दिया गया, आपको मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं है कि कितनी लड़कियों को फीमेल एम्पावरमेंट पाकिस्तान में भी दी जा रही है। हमारे यहाँ पे अगर हम तनूर में जाके अगर रोटी लेने जाएं तो हम औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं। जो आप बात करती हैं वो सोसाइटी का बहुत छोटा वर्जन रह गया। आप लेक्चरर्स की बात देखें वो लड़कियाँ हैं, आप रिजर्व सीट्स की बात करें, अब तो बल्कि लड़कों के लिए कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए कोई ग्रुप बनना चाहिए, कोई इस तरह का सोशल मीडिया पे बनना चाहिए कि हम लोगों के राइट्स को किया जाए। तो जो अगर आप कनाडा टोरंटो में हैं तो अब मुझे नहीं पता किस कदर आपको वहाँ पे मिलती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये और वो और फलाना। मुझे लगता है जो आपकी रीजनिंग है वो बहुत फॉल्स है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, लास्ट टाइम अगर आप नेट पे खोल के देखें 171 लड़कियां और 132 लड़के गए थे सिविल सर्विसेज में, कुछ अनएलोकेटेड गए। ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल से तो सब कुछ है पाकिस्तान की, यू हैव अ राइट टू किल, जो असिस्टेंट एक कमिश्नर के पास एक राइट होता है, मजिस्ट्रेट अव्वल के पास। तो मुझे समझ नहीं आती व्हाई डू यू पीपल रन फ्रॉम पाकिस्तान व्हेन यू कुड हैव हेल अ लॉट ऑफ गुड लाइफ ओवर हियर, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एंड ऑल दिस यू कीप ऑन, ठीक है ना,
हम तो इस वजह से आए थे क्योंकि आई एम अ नॉन मुस्लिम, मैं तो उसे बहुत छोटी थी, मेरी माँ की लाइफ को खतरा था, तो दैट्स व्हाई वो हमको यहाँ लेते। अब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कभी नहीं कहा कि लड़कियों को पूरी इजाजत नहीं है, है इजाजत, ऑफकोर्स मीडिया में इतनी लड़कियां काम कर रही है, ठीक है ना, बेनजीर देखो, ठीक है ना, अभी ये जो औरतें आपको दिख रही हैं, ये मलिक रियाज की जो बेटियां हैं, ये जाकर जो करती हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वहां पे राइट्स नहीं है, बिल्कुल है राइट, मगर राइट्स के पास है, जिनके पास पैसा है, जो शहरों में है उनको एजुकेशन मिल जाती है, जो पॉपुलेशन आप मिस कर रहे हो ना, वो मैं बात करती हूँ कि जैसे इंटीरियर सिंध चले जाओ या आप केपीके में चले जाओ, गांव देखो। मैम मेरी इंटीरियर सिंध वालों को स्पेशल सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिया आपको, मैंने बोलने दिया तो मुझे अब क्लियर, फिर आप बात करना, ठीक है। औरतें हैं वहां पे एजुकेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आप कहते हैं यहाँ औरतों को सारे राइट्स वगैरह हैं, मगर ये चीज तो मैं खुद पाकिस्तान जाके देख चुकी हूँ कि लड़की अगर बाहर निकलती है तो उसको आंखों से उसका रेप किया जाता है। रिजर्व सीट की आपने बात की, हाँ वो है वहां पर, और ये भी होता है कि लेडीज को जाने दो, लेडीज के लिए सेपरेट लाइन है। अब एक किस्सा सुने आप, मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद आप बोलो। आपके कॉन्सर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, जब मैं पहली दफा पाकिस्तान गई और मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने टिकट खरीदे सब कुछ, वहां दो गेट हुए थे, एक पे सारे मर्द खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं फैमिली दूसरे गेट पे जाओ, हम लोग वहां पे गए अंदर जाने नहीं दे रहे थे, कहा कि दूसरे गेट पे जाओ, तो कुछ कर आके हम लोग आगे चले गए, मेरा नेफ्यू मेरे साथ था वहां पर, सही सही, सारे मर्द मेरे पीछे थे, कहे थे सिस्टर बहन को अंदर जाने दो, बहन बहन देखे लेडीज है लेडीज, और पीछे से सब मेरे को हाथ लगा रहे, कह रहे हैं बहन को अंदर जाने दो, और जैसे ही उस बंदे ने सिक्योरिटी ने दरवाजा खींच के मुझे अंदर खींचा, वरना मेरे कपड़े फट गए होते वहां पर, उन्होंने जैसे ही मुझे खींचा उन्होंने गेट खोल सब अंदर, सही सही सही, कहने का मतलब तो अमेरिका में या कनाडा में रेप केसेस नहीं है, वहाँ पे एक्सटॉर्शन नहीं है, वहाँ पे अब्यूज नहीं है, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है क्या आपको लगता, और केसेस क्या हमसे कम है यहाँ पर, मगर यहाँ क्या होता है रेप केस में, आप आराम से उठकर कम और उसकी ज्यादा आप बात करते हो ना, पाकिस्तान में रेप शर्म के नाम पर रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियों के नहीं लड़कों के भी नहीं होते, बच्चों के रिपोर्ट नहीं होते हैं जी जी। अच्छा, और यहाँ पर रेप का ये है कि हाँ आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, बट यू आर नॉट शेम, ये नहीं कहते कि लड़की तुमने कपड़े ऐसे पहने होंगे या तुम रात को लेट जा रही थी इस वजह से तुम्हारा रेप हुआ, हमारी सोसाइटी जो लड़की का रेप होता है उसी को हम टारगेट करते हैं, जो विक्टिम होता है उसी की हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, दीज आर द डिफरेंस। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरे मामू हैं वो, उन्होंने केस लिया था अली जफर वर्सेस मीशा शफी का, उनका नाम था अमजद शाह, बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, तो फिर टू और थ्री ऑफ माय रिलेटिव्स आर आल्सो लाइक ब्यूरोक्रेट्स ऑफ ग्रेड 22 लेवल एंड स्टफ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितना मैंने सीन देखा है ना, कि अगर वो ठीक है आपकी बातें आज मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन मैडम थिंग्स आर चेंजिंग वेरी मच। अगर आप ये बात करें रूरल सिंध की, तो आपको अगर आप न्यूज पढ़ती हैं तो आपको पता चलेगा कि इन द 70 ईयर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक पहला फैसला किया है, जो कि ये नहीं कि मैं उस बंदे की सारी बातें करता हूँ, उसने पंजाब को एग्जेम्पशन दे दी है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठिंग फॉर, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है जिसमें सिर्फ 188 सीट्स पे इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान के लोग बैठेंगे, पंजाब को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, कोई भी पंजाबी नहीं बैठेगा जो डोमिसाइल होल्डर है, उसमें फीमेल के कोटे लगाए हुए हैं मैडम, और कितनी फीमेल एम्पावरमेंट चाहिए आपके लिए, वुमेन जेनेरिक यूनिवर्सिटीज आ रही हैं आपके लिए, सीट्स आ रही हैं आपको, पावर ब्यूरोक्रेसी दी जा रही है, व्हाट मोर कुड यू वांट, और ठीक है जो सिविल इश्यूज हैं वो आपके हैं, एट द एंड ऑफ द टाइम मैडम मेरी बात सुनें, इट्स नॉट अ जेंडर इशू, द वेरी इशू इज के बंदे आप कितने, आपके पास पैसा क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, दिस गोज डाउन टू इट, आपकी सोशल सिक्योरिटी आपको कितनी मिलती है, जो बेसिकली लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर होती है, तो ये सब कुछ तो मैडम मसले वहां पे भी है, वेस्ट में भी मसले हैं ना, अब आप कंप्लेन किस बात पे कर रहे हो, आई नेवर गेट योर पॉइंट। अपनी बहन से आप पूछना कि उनको किस नजर से लोग देखते हैं और उनको कैसा अच्छा। फील होता है, बुर्के में जाती है, क्यों जाती है बुर्के में, मगर बुर्का उतार के जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि लोग घूरेंगे इस वजह से बुर्के में जाते हैं, नहीं 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 ये चॉइस है,
वेस्ट कोड का आ जाता है, इसे मॉरल कोड का आ जाता है, इसे कोड और एथिक्स की में आ जाता है। कोड और एथिक्स वो आपके उसमें है ना, दैट्स फाइन, मगर अगर कोई लड़की जींस पहन के चली जाए इस बात को आप नहीं डिनाई कर सकते। मेरे पास हमारी बहन के खिलाफ बात करें, आप लोग जब मर्द आके औरतों के इश्यूज पे बात करते हो ना, आपकी नजर से हर चीज है। अगर एक औरत से पूछो ना कि उनको क्या क्या नहीं मिल रहा है, मुझे कितनी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं यहाँ पर, ये हरासमेंट आप सामने, एक चीज आपके सामने है, यहाँ पे आप मेरी चैट देख लो और यहाँ पे देख लो कितने मर्द आकर यहाँ गालियां लिखते हैं। वो तो मसला फिर मैडम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम का है ना, वो तो मसला एजुकेशन सिस्टम का है ना। आप अगर देखे मेरी बात सुने, सीन ये होता है कि अगर अगर मेरी बात सुने, अगर मैं सच बात बोलू ये जो होती है ना इंटरनेट का, हम पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं, हमने पॉर्न इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया। हमारे पास जो सीधी बात है ना, जो ज्यादातर इधर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लड़की हैं इसलिए देख कर आके और हिलाने को आए, और ये हमारी पाकिस्तान का बड़ा मसला है। ये एक कंटेम्प्रेरी और ये हमारा बड़ा गंदा किस्म का मसला है। लेकिन अरीजा आप आना, क्योंकि मैं एक औरत का भी पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ, खासकर औरतों के पर्सपेक्टिव डालते हैं ना। आई फाइंड कि जैसे कि मैं जाके ना मर्दों के हुकूक के लिए लड़ना शुरू करती हूँ, मुझे क्या पता मर्दों के क्या हुकूक है, आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या नीड है क्या नहीं है। वो आपने ड्रामा नहीं सुना, आपने देखा नहीं वो ड्रामा जो मीर खलील रहमान ने बनाया हम पे, वो हमारी वैसे लाइफ स्टेट, हमारी भी तो, हमें भी तो मसले होते हैं, हमें भी तो लाइफ में मसले हैं, हमें भी तो टच किया जाता है हरासमेंट। अच्छा रेप क्या हमारे नहीं होता है क्या, लड़कों के रेप नहीं होते आपको लगता है? होती है सारी की सारी, और अब कितने केसेस होते हैं हमारे अपने इलाकों में हुए लड़कों के रेप, लड़के ही कर रहे होते हैं। एनीवेज सुनो सुनो, मुझे ना और भी लोग हैं तो उनको कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने आके बात की, एटलीस्ट आपके अंदर हिम्मत, आप आके मुझसे बात करते हैं, अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं, यू नो, गालियां गलौज से कुछ नहीं होता। हाय माज, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, थैंक यू। मैं कराची से हूँ और मैं काफी टाइम से आपकी जो है ब्रॉडकास्ट को फॉलो कर रहा था, और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इतना मतलब लाइक क्यों है गुस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पे? हम लोग की नहीं, इतनी नेगेटिविटी और इतना ज्यादा लाइक क्रोध, जैसे आपकी हिंदी संस्कृत में कहते हैं, इतना इतना लाइक वायलेंस परसेप्शन। हम भी आप लोग की तरह हैं और हम भी लाइक योर कास्ट लव, we also look forward to have you know positive approach towards Indians, and I was really you know saddened by the fact that jab aap log debate kar rahe the, wo ek uncle the kuch time pehle, is jo last hamara broadcast tha usse pehle jo uncle the, to unki maine baat suni aur I was like yaar ye kyun itna negative sochte hain? Hamare yahan bhi you know I work in an MNC aur mere jo teammate hain majority Hindu hain, you know Amit Sai, main unko Amit Sai kehta hu pyar se na, aur Haresh Babu, we live like brothers and we have never you know never in our life had this you know breach of conversation when we put our religions you know apart. So yeah, this is yahi main baat karna chah raha tha ki hum log like haath badhate hain mohabbat ke liye, pyar ke liye aur peace ke liye, harmony ke liye. Kya aisa nahi ho sakta ki main samajh sakta hu ki aapki baat bhi theek hogi kuch had tak, main aisa deny nahi kar raha, लेकिन क्या आप वो सारी चीजें भुला के नई शुरुआत नहीं कर सकते? जरूरी है कि हिस्ट्री जो कि डार्क हिस्ट्री है उसको ही फॉलो किया जाए, और मतलब कि ये सेंचुरीज तक ये चीज लेके जाई जाए, क्या चेंज नहीं आ सकता? क्या पहले जैसी डिवाइडेड रूल को भुला के अच्छी सी शुरुआत नहीं कर सकते? अच्छा मैं बताऊँ आपको, मैं बोलूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं है पाकिस्तान को मुझसे ज्यादा पॉजिटिवली, मेरे ख्याल से किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया होगा जब मैंने जाके मिस पाकिस्तान किया था और मैंने 120 कंट्रीज के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा पकड़ के खड़ी हुई थी, मगर उसमें क्या हुआ था, मुझे गालियां पड़ी, मुझे सपोर्ट भी बहुत हुई क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये लड़की ब्यूटी पेजेंट्स में क्यों जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी औरतों को इजाजत नहीं है, चाहे मैं नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हूं मगर हम लोगों को इजाजत नहीं है, राइट? अब आप जैसे लोग जो है ना वो मेरी फेसबुक पर हैं, 80,000 अब मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो वो सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है ना जो यहाँ आकर लिख रहे होते हैं, आपके दिमाग है आप सोच सकते हो, ठीक है ना?
जब यहाँ पर आके लोग, अब जो अंकल जो बात कर रहे थे वो उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, हर किसी को अपना पर्सपेक्टिव देने का, आपने बोला, वो इससे आपसे पहले जो आए थे उन्होंने बोला, नीचे आपने कमेंट्स देखने थे ये क्या आ रहे थे। आप लोग एक बात बताओ, आप तो ठीक है आप नहीं करते डिफरेंसेस ना रिलीजन के बीच में, मगर अब यहाँ पर इतने लोग हैं जो खुद मुसलमानों के बीच में इतने डिफरेंसेस रखी हुई है, तो आप उनको पहले खत्म करो। मैं खत्म नहीं, मैं तो खत्म करना चाहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि इट डजंट मैटर, मैं तो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ी हूँ कि हर किसी को जीने का हक दो, सही है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में आप कहते हो ना हर चीज की इजाजत है, पाकिस्तान में कोई खड़े होकर औरत या मर्द कोई आपकी रिलीजन पे क्वेश्चन भी करेगा तो उसका क्या हाल होगा, मुझे बताओ, क्वेश्चन सिर्फ। यू नो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब जहाँ लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है वो उस पर सवाल करते हैं और उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग स्लेवरी वाले माहौल में रह रहे हैं अभी भी कि कोई कुछ बोल, हिटलर का दौर नहीं है, पाकिस्तान जर्मनी नहीं है नाजी वाला, हम लोग तो यही तो चेंज करनी है अपनी थिंकिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको वही जवाब दे रहा था, आपकी बात ठीक है, यहाँ पे फिरके हैं, मुस्लिम्स भी जो है डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, सिमिलरली हर जगह हर रिलीजन में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं लोग, कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जहाँ पे एक परसेप्शन और एक थिंकिंग हो, ये समझ लें। अब मैं आपको दूसरी वर्डिंग में क्या कहूँ, ये पैसे कमाने की लाइक जरिए हैं, बेशक लोग का परसेप्शन अलग है लेकिन ये उनके जरिए हैं कुछ और उनके परसेप्शन रखने के, लेकिन लोगों के दिल एक जैसे हैं, लोग लाइक मोहब्बत भी दिल में रखते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक तालाब में एक मछली लाइक गंदी है तो सारा तालाब खराब है, ये मेरा पॉइंट है कहने का। तो व्हाट मैटर्स इज योर थिंकिंग, यू हैव टू चेंज योर माइंड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड वी आर व्हाट वी रिप्रेजेंट टू यू। यू आर प्रीचिंग टू द रॉन्ग क्वायर, मुझे पॉजिटिविटी के लिए आप मत सिखाओ क्योंकि मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। अब आप खुद कमेंट्स में देखो, यहाँ पर कमेंट्स में कि गालियां, ये इंटरनेट वॉरियर्स को तो मैं कुछ, मैं इनको तो, मेरा ये कहना है कि आप इनको तो पॉइंट आउट ही नहीं करो, आप इनको लाइक ऐसे समझो ये लोग मेजॉरिटी गाइस दैट गो अराउंड आउटसाइड जो बाहर जाके औरतों को अब्यूज कर रहे होते हैं। अब आप मुझे एक बताओ, काम नहीं है ना, बेकार है, इनको आपने पॉइंट आउट ही करना बेकार है। आप कह रहे हो ना कि अभी भी वो है, कंदील की मिसाल ले लो, मिशाल खान जो था उसको जो है ब्लास्फेमी के उसमें मार दिया गया, आसिया बीबी जो है जिसने अपने पता नहीं कितने साल जो है जेल के पीछे गुजार दिए। आपकी एक कम्युनिटी है ना, आप एक कम्युनिटी में हो, मैं जब पाकिस्तान गई हूँ ना तो मैं एक कम्युनिटी में रही, उस कम्युनिटी में मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कनाडा में हूँ क्योंकि वहाँ पार्टीज भी थी, वहाँ पे जो है डिनर्स भी हो रहे थे, एवरीबॉडी वाज ओपन माइंडेड, नोबडी वाज देयर टू जज मी कि मैं कौन से कपड़े पहन रही हूँ, मैं ड्रेस भी पहनती थी जो भी, तो वो अलग हो गई। मगर जो एक कम्युनिटी अभी भी आपकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ा हुआ है ना, जो मुल्लाओं ने स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ा हुआ है वहां पर, वो जो कम्युनिटी है ना उसको सुधारना जरूरी है, वरना फिर आप लोगों के वहां पे ये केसेस होते रहे। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है यहाँ पे, लाल मस्जिद वाला सिनेरियो आप देखो, मुल्लाओं को जो गलत है लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, दो गलत है उनको पकड़ा जा रहा है। और आप कनाडा की बात करो, मेरे कजन वहाँ है, मेरे खाला ननियाल, मेरा पूरा कनाडा टोरंटो ऑन्टेरियो में है, तो मैं जाता रहता हूँ सर्दियों में एंजॉय करने। तो आपकी बात ठीक है, वहाँ पे ये चीज नहीं है, वहाँ पे इंडियंस और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, वहाँ मैं मैंने दिखा, बेशक पाकिस्तानी हो इंडियन हो वो लोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों की थिंकिंग अलग है, वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो यहाँ इंडिया या पाकिस्तान जैसी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड इसीलिए किया जाता है ताकि पॉलिटिशियंस की दुकानें ना बंद हो, आप समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। वो जो अंकल बात कर रहे थे उनका कोई ना कोई लिंक होगा पॉलिटिक्स से, तभी तो वो इतना कड़वा बोल रहे थे, मुझे उनका कोई ऐसा लिंक नहीं है, मगर एक डिबेट होती है, बहुत बहुत डिबेट भी, हम भी डिबेट कर रहे हैं यार, हम लोग लड़ नहीं रहे, इजराइल के एजेंट हूं, मेरे को एक टक्का नहीं मिलता यहां से, यू नो आई डोंट मैं नथिंग मोनेटाइज हियर, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मगर लोग कहते हैं यू नो कि इसको कैसे यू नो पैसे मिलते हैं या इसको ये है या वो है, इनकम अलग होगी ना, वो तो वो किसी और को पूछने का हक भी नहीं है, कोई मुझसे अगर पूछेगा कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो मैं उसको क्यों बताऊं भाई, तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता, हम जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं हम वो बात करें ना, ना कि हम आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछें, हम यहाँ बैठे हैं पीस और हारमोनी के लिए, डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए, मामलों को सॉर्ट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि लोगों को इस तरह के सवाल करने चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आपसे भी ये कहूंगा कि आपकी लाइक मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आप गलत हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस शुरुआत तो लाइक किसी को करनी होगी ना, चेंज ऑफ माइंड तो किसी को पैदा करना होगा, वरना तो ये सालों से चलते रहेंगे,
ये गोरों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके क्या है फायदा? मैं तो खुद ये कहती हूँ कि अगर कोई मैं अच्छा मैं रिलीजन पे बात नहीं करती थी, मैंने कभी रिलीजन पे बात नहीं की, मैं अपना शो कर रही होती हूँ, मगर रमजान का महीना है, कपड़े मैंने ऐसे पहने हुए, नॉन मुस्लिम मैं हूँ, लोग आके मुझे इस्लाम सिखा रहे होते थे और कहते थे कि आप शर्म करो। नहीं, रमजान चले गए और ईद भी हो गई, खैर लेकिन इसमें कोई जो देखें ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें जो भी आपको कुछ कहेगा ना वो गलत बंदा है। पर्सनल मैटर है मेरा कि मैं जो भी पहनू, मगर यहाँ कर रहे होते हैं और फिर मेरी रिलीजन को गाली देते हैं, हालांकि मैंने कभी किसी भी कोई भी मेरा वीडियो उठा लो, मैंने कभी किसी रिलीजन को गाली नहीं दी। मैं उनसे यही कहती हूँ कि जब आप आके गालियां लिखते हो, दूसरी रिलीजन को गालियां लिख रहे होते हो, तो उससे आपकी रिलीजन शो करती है। That's all I say कि वो रिलीजन आपका जो है ब्रॉट अप शो करता है। तो उस पे आकर अगर कोई तीसरा पारसी आकर तुमको गाली दे देगा तो फिर मुझसे मत कहना कि वो मेरी रिलीजन को ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप अब्यूज पहले स्टार्ट करते हो। तो मैं देखें उन्होंने जो कहा वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मुझ पर मेरा हक है और दूसरों पर मेरा हक नहीं है। तो मैं तो उन लोगों को नहीं मानता कि वो हमारी कम्युनिटी के भी हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, और सिमिलरली जिस तरीके से हिंदूज जो बैश कर रहे होते हैं कमेंट्स में, मैं उनको भी नहीं मानता कि वो इस तरीके के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक की गलती की वजह से सबको सिमिलर ना समझो, और अगर ऐसे लोग कहते हैं तो इग्नोर करो। आपने कहा, आप जैसा कहा कि आप उनको बैन कर देते हो तो खत्म हो गई, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। और अगर इस चीज को हमें बढ़ाना है, इसी चीज को लाइक इस मामले को हमने सॉल्व ही नहीं करना और बढ़ाना है, तो फिर और तो कोई हल नहीं मिलेगा ना सिवाय के अंदर करना ना। अब हमने बंद कर दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ ना फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुमन, और दूसरी लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट हो जाएं, डिजाइनर्स हो जाएं, एक्ट्रेसेस हैं, मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ, तो ये उनको भी मिलता है, यू नो दे गो ऑन एंड दे गो ऑन डूइंग ऑल दीस थिंग्स, यू नो। अब आप यहाँ पे देख लो ना, अभी लगे मैं सब कितनों को मैं बैन करूंगा। आपको अगर कोई चीज नहीं पसंद है तो आप चले जाओ, ठीक है ना। और मैं हमेशा मैक्सिमम मुझे सपोर्ट पाकिस्तानियों से मिलती है, कोई तो ऐसी बात हो मैं सही कर रही हूँ जो मुझे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। 80,000 इज नॉट स्मॉल नंबर, यू अंडरस्टैंड, स्मॉल नंबर। आई हैव हैड मुझे LGBTQ के लोग हैं जो गेज हैं, लेस्बियंस, वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि प्लीज हमारे लिए बात करो। लड़कियां मुझे इतने मैसेजेस, मैं Honestly, मैं अपना अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना ओनली फैंस पे जाऊँ और बड़े आराम से अपने बाथ टब में बैठूँ और मैं वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहन के ना हजारों कमा सकती हूँ। आई कैन इजिली डू दिस, मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे आके औरतों के उस पर बात करूँ या कि LGBT के उस पर बात करूँ, आई हैव नो नीड। मगर जब मैं सुनती हूँ लोगों की बातें और औरतों के मैसेजेस जो मुझे आ रहे होते हैं कि हमारा मियाँ जो है वो हमारी बहन के साथ भी सो रहा है, हमें रोजाना मार रहा है, हमें ये कर, तो I actually feel for it। चलो माजी में और लोगों को जी थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आई होप कि ये चेंज होगा और वी रियली लव यू इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी मदद करनी पड़ेगी, चेंज इज गोइंग टू कम फ्रॉम यू गाइस, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और आप लोगों की थिंकिंग ओपन माइंडेड है, यू गाइस कैन ओनली। ठीक है, थैंक यू सो मच महलीज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बाय। अब ये लास्ट कॉल मैं ले रही हूँ, इसके बाद मुझको जाना है, बड़ी भूख लगी है। आई एम गोना गो ईट। हाय फोरम, हाउ आर यू? हे महलीज, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। तो मेरा बस इसमें आप पहले तो बताओ कहाँ से हो? मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन यूएस में हूँ पिछले 10-12 साल से। इस इशू के ऊपर मैंने कमेंट करना है, ये उस्मा वाले इशू पे जो आप लोग बात कर रहे थे, इस पे मेरे एक कमेंट है और एक आपसे सवाल भी है। कमेंट मेरा ये है कि हमें नहीं पता यहाँ बैठ के वो जो दो लड़कियां वहाँ पे है, वो आई हैपन टू नो कि वो ऑर्फन्स है, एक इतनी ऐसे थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर वो जैसे रह रही है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं।
और किस किस्म के प्रेशर्स उनको फेस करने पड़े हैं, सो दे हैव टू कट अ डील विद विद सॉर्ट ऑफ अ माफिया आउट देयर के वो किस तरह अपने आप को बच कर निकले. और उनको जो लॉयर मिला हुआ है वो बेसिकली एक ड्रामेबाज बंदा है, आई नो हिम बट एनीवे. तो वो एक सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हुई है कि हमें उनको यहाँ बैठ के कंफर्ट जोन में वी कैन नॉट जज देम. आई थिंक दैट्स एटलीस्ट उनको इतना हमें ब्रेक देना चाहिए उन दो लड़कियों को. हाँ वो मीडिया पे आके उन्होंने बोला ये वो क्या क्या, लेकिन वो उस वक्त भी ड्रामेबाज के आप छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, बिकॉज दे न्यू के उनके मीडिया के अंदर मलिक रियाज और ये सारे लोग कैसे उनको प्रेशराइज करते हैं. सो दे न्यू के इन लड़कियों के साथ भी ये होगा. सो दिस इज एवरीबडी प्रिडिक्टेड दैट, लेकिन उनको इतना करना चाहिए. मेरा एक इस पे कॉमेंट. दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, सिंस यू फेस लॉट्स ऑफ बैकलैश पाकिस्तान से, जो बंदी है उसकी बीवी उस्मान की, उसने अब तक अपने खावन को छोड़ा? उसने जो वीडियो बनाया था, हाँ उसने कहा उसने सिर्फ बोला था, लेकिन देयर इज नो कॉन्फर्मेशन एज फार एज आई नो शी हैज नॉट प्रोसीड एनी, वो कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, कोई उसने जाके वो बंदा कहीं नजर नहीं आ रहा इस वक्त. और इन फैक्ट वो बंदा वाज इन डायरेक्ट इन टच विद विद दिस गर्ल्स, आई थिंक उज्मा उनका नाम है, उज्मा, उनसे ही वाज डायरेक्ट इन टच कि मेरी बीवी कह रही है कि इनको चुप कराओ, व्हिच बेसिकली मींस दैट ही इज स्टिल इन टच. तो ये जब आप बात करती है ना कि औरतों के साथ ऐसा क्यों बुरा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी पावरफुल बंदी है जिसमें शी हैड एन ऑडेसिटी टू एक्चुअली बॉर्ज इन समबडीज हाउस एंड यू नो इतनी सिचुएशन क्रिएट की वो, हाँ, और वो बंदी तक अपने खावंद को नहीं छोड़ रही और वो औरतें आपस में लड़ रही है. सो दे बेसिकली मेकिंग अ सीन आउट ऑफ देमसेल्व्स. और फिर आप कहती हैं कि औरतों के साथ ऐसा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग खुद एक दूसरे को बैकअप नहीं करते. और औरत मार्च मेरी इतनी दोस्त है लाहौर में जिनके साथ आई मीन स्कूल में पढ़ा, वो अच्छी भली पढ़ी लिखी बंदी जिनके साथ हम नॉर्मली हैंग आउट करते, उनको मस्ते हो रहे थे औरत मार्च में जाते हुए. मैं हैरान था कि यार व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट. सो ये मसला सिर्फ बंदों का नहीं है, ये मसला उन औरतों में भी है जो आपस में एक दूसरे को बैकअप नहीं करती. और आप देख लेना मुझसे लिखवा लेना, आई मीन नेवर से नेवर, लेकिन आई विल बी एक्सट्रीमली शॉक अगर ये बंदी अपने खावन को छोड़ दे, ये कभी भी नहीं छोड़ेगी. इवन हालांकि ये पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से इस औरत का ताल्लुक है, जिसने एक औरत के जाके घर में तोड़फोड़ कर दी, लेकिन ये भी अपने एक वो लूड़ा लफंगा जो भी उसका खामद है उसको उसे नहीं छोड़ेगी वो. और ये बेसिकली एक गलती इसमें दोनों की थी. उज्मा ने आके क्या कहते हैं आमना ने आके कहा कि मैं इसको 3 दफा वार्निंग दी थी, आप अगर एक बंदा चीट कर रहा है आपको पता है तो छोड़ दो. मैं अपनी खुद मिसाल देती हूँ ना कि आई वॉज चीटेड ऑन, तो मैं क्या उसके साथ रहती हूँ, मैं एक साल उसके साथ रही, आई वाज लाइक आई एम डन, क्योंकि इस बंदे ने नहीं सुधरना है. मगर मैं बंदी के पास नहीं गई उसको मारने के लिए, यू नो. और एक शादीशुदा मर्द है उसके साथ एक रिलेशनशिप में क्यों गए, वो उसकी गलती है, यू नो. और ये बात सही है कि एक औरत जो है वो ही औरतों का जो है ना गला पकड़ती है, ये तो पूरी बात मैं मानती हूँ कि औरतें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती. वो गलती दोनों की है, लेकिन मैं एक 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 सोशल पैराडाइम की बात कर रहा हूँ कि यस उस बंदी में देखे उसमें इतना जोर था कि वो गार्ड्स लेके उसके घर में पहुंच गई और सारा तोड़फोड़ कर ली, लेकिन उसमें इतना जोर नहीं है कि अपने खावन को छोड़ दे. जो हो सकता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है बंदा, आई डोंट नो जो भी है, लेकिन अपेरेंटली ये मलिक राज की बेटी है या जो भी है, आई मीन शी इज पावरफुल, आई मीन शी इज नॉट समबडी स्मॉल. सो अगर वो बंदी भी अपने खामत को नहीं छोड़ रही, और मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ वहां पे, अब सोसाइटी जब मैंने छोड़ा था पाकिस्तान बैक इन 2000, वो और आज के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है. चीटिंग और इनफिडेलिटी इज रैम्पेंट और ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि सोसाइटी के थोड़े से छोटे सेगमेंट के अंदर पैसा आ गया है, वहां पर ऑलरेडी वहां पर एक इम्बेलेंस है, तो वो लड़कियां भी माइंड नहीं करती कि उनको पता है कि
کہ ان کی بیویاں ہیں یا ان فیکٹ میرا ایک جاننے والا ان فیکٹ ہیز اے سیکنڈ کزن اس کی دو بیویاں ہیں اور اسے اپنی دو بیویوں پہ چیٹ کیا آئی واز لائک واٹ دی ہیل مین دیکھو جس پر چیٹ کرنا ہے نا میں تو یہ کہتی ہوں اگر عثمان نہیں ہوتی نا تو کوئی اور ہوتی کیونکہ جب وہ بندہ ضرور چیٹ کرتا وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں عورتوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک اتنی آسان سی بات نہیں ہے آئی مین آئی جسٹ وانٹڈ ٹو یو نو کمیونیکیٹ دیٹ پوائنٹ کہ اس میں عورتوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا عثمان کا قصور ہے اور ایک بات آپ نے اور نوٹ کی ہے کہ چلو وہ عثمان تو نہیں آ رہا لیکن عظمیٰ اور ایون اس کی جو بیوی ہے اس نے میڈیا پہ آ کے عثمان کو کتنا کو ذلیل کر لیا وہ تو میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے جو بندہ ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی وہ صدف کی بھی شادی ہوگی کیا کنوارے لڑکے بغیر شادی شدہ لڑکے کم پڑ گئے ہیں پاکستان میں تو یہ عورتیں جو ہیں شادی شدہ ہوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں I don't understand quality matters quality matters لیکن یہ کہ in any way میں صرف یہ کہ ہاں exactly وہ بھی میں نے ٹویٹر پہ دیکھا میں اب پاکستانی آکر اس کے تب فالوئنگ کرتا ہوں in fact آپ کا بھی مجھے میں حارث سلطان کے شو میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا so I was really impressed I said I'll definitely follow you up لیکن میں نے وہ ٹویٹر پہ ہی دیکھا یہ جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں کباچا کا جو بیٹا ہے بیسیکلی ہاں ایگزیکٹلی سو بٹ اینی وے لیتی ہوں پھر مجھے جانا ہے آئی ایم سو ہنگری اب کھانے کا شور تھینک یو ویری مچ اسٹے سیف نائس بائے بائے گائز یہ لاسٹ کال ہے اس کے بعد میں اور کالیں نہیں لوں گی دیٹ از اٹ ہیلو السلام علیکم مہلیج تھینک یو فار پکنگ می اپ سب سے پہلے تو میں کہوں گا میری آپ سب سے پہلے اپنا نام تو بتائیں اور آپ کہاں سے ہیں پہلے یہ بتائیے نام تو آپ کا پتہ نہیں چل رہا میں اس لیے نہیں بتاؤں گا لوکیشن اور نام کہ میرے نام بتانے سے آپ کو ساری سمجھ جائیں گی میں آپ کا ایک جو پرسپشن ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر جیسے میں نے ریلیٹ کر لیا کسی ریلیجن سے کنٹری سے تو آپ اسی ڈاکٹر کے تھرو مجھ سے بات کریں گے آپ باعث ہو جائے گی اس لیے میں نے آپ کو میں نے ان نون کیا میں آپ کی باتیں سن رہا تھا اور میں ان کی بھی باتیں سن رہا تھا جو جن کو آپ نے کال کی لی بہت دیر سے وہ میں نے لکھا بھی تھا آپ کے پاس کہ ہاؤ کین آئی کم آن دس ویڈیو کال سو سب سے پہلے تو میری اردو بہت اچھی نہیں ہے شاید میں اپنا میسج ڈلیور نہیں کر سکوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی تھی جن لوگوں سے آپ باتیں کر رہی تھی یہ بالکل جنرلائزیشن ہے اور جنرلائزیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے آپ ایک فیملی کو ایک فرد کو ایک معاشرے کو ایک سوسائٹی کنٹری کو پک اپ کر کے اس سب کو ایک برش نہیں پینٹ کر سکتی ہے یہ جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مسلمان یہ ہوتے ہیں یا پاکستان یہ ہوتا ہے یا انڈیا یہ ہوتا ہے یہ بہت غلط ہوتا ہے آپ کینیڈا میں رہتی ہیں آپ نے خود یہی کہا یہاں پہ جب کرائم ہوتا ہے پولیس کو جب کال کرتی ہے آپ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا کالا ہے یا گورا ہے آپ نے پرسن بتانا وہ شخص بتانا میل فیمل بتانا جب آپ ان چیزوں کو جب اب یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں کر رہا یا افغانستان ٹھیک نہیں کر رہا یا انڈیا ٹھیک نہیں کر رہا تو یہ بہت بڑی جنرلائزیشن ہے جسے ہمیں بالکل فیل کرنا چاہیے دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے گور گور کے نظروں سے دیکھا جاتا ہے بھائی یہ تو ہر دنیا میں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے مجھے بتائیے کہاں نہیں ہوتا کہ لوگ عورتوں کو نہیں دیکھا جاتا آپ یہاں ذرا آ کے کینیڈا میں بیچ پہ دیکھو لڑکیاں بکینیز میں گھوم رہی ہوتی ہیں مزہ آ لے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے ان کو میں کینیڈا کے میں پوری دنیا گھما ہوں میں ہر بیچ پہ گیا ہوں میں اب سب سے پہلے جہاں لڑکی گھوم بیٹھی ہوتی ہے میری نظر اس کے پاس جاتی ہے دیکھنے کا لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو جس طرح دیکھتے ہیں جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی الگ چیز میں وہ بھی اس کی طرف آؤں گا لیکن اوپر میں نا دوسری کبھی مجھے کوئی لڑکی ملے گی نا تو میں پاکستانی لڑکی کو ایک لے کر آؤں گی کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو میں تو ہوا میں پھینک رہی ہوں کہ میں تمہارا کبھی نہیں 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 کیا مگر نہیں آپ وہاں گئی ہے کہاں آپ وہاں سوری تو انٹرپٹ یو آپ وہاں گئی ہے آپ نے جو باتیں کہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب جھوٹ ہے بالکل ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ جسے آپ نفرت کر سکتے ہو جو اچھی نہیں ہے جو یعنی کہ ایک لڑکی کے لیے اچھی نہیں ہوگا شاید ایک اوپن مائنڈیڈ پرسن کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہوگا وہاں پہ جو آپ کی مرضی ہے ان کے مطابق وہاں پہ چیزیں نہیں ہوتی ہے بٹ ٹو پینٹ ایوری تھنگ وتھ سنگل برش از ایبسولوٹلی رونگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کتنی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کروں ابھی آپ کے سامنے کتنے پاکستانیوں کو میں نے کال پہ لیے عزت سے بات کی ہے
majority of my followers are Pakistani Muslims. मैं हर किसी को नहीं बोलती हूँ, मगर जो इश्यूज हैं उनको आप नीचे नहीं डाल सकते हो। ये बात कहना कि पाकिस्तान में अगर एक बंदी स्कर्ट पहन के बाहर घूमेगी तो उसको कोई हरास नहीं करेगा, और यहाँ पर जो है हर कोई ऐसे घूरेगा। भाई मैं बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ बाहर निकलो किसी को परवाह नहीं, कोई लड़की जा रही है लड़का जा रहा है, दे डोंट केयर। मैं पाकिस्तान में खुद बुरका पहन के घूमी हूँ, बुरके में आंखें तक यूं यूं करके देख रहे होते थे, लाइक लिटरली अगर मैं नहीं होती वहां पर और ऐसा हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां घूमती नहीं है पाकिस्तान में। लाहौर की मैंने खुद लड़कियों को देखा है, वो ड्रेसेस में बड़ी बड़ी जो फैमिलीज की हैं, रिच फैमिलीज की लड़कियां हैं ना, वो अपनी ऑडीज में छोटे छोटे कपड़े पहन के पार्टीज में ड्रिंकिंग और सब कुछ हो रहा होता है, होता सब कुछ। यही बात है ये स्टेप बाय स्टेप माशरे की बात होती है। आप लाहौर जाती है, मैं लाहौर में रहता हूँ, आप लाहौर जाती है, आप आई सोसाइटीज में जाती है, वहां पे पार्टीज भी होते हैं, शॉर्ट स्कर्ट भी होते हैं, इवन अग भी करते हैं, दूसरे के साथ हैंडशेक भी करते हैं, कपड़े भी जिस तरह मर्जी चाहे पहन सकते हैं, और इट डिपेंड्स वेयर यू गोइंग, वेयर यू लुकिंग एट। आप लाहौर से निकल जाएं, किसी गांव में चले जाएं, वहां पे लड़की अपना मुंह नहीं दिखा सकती, तो आप जो वो मुंह नहीं दिखा सकती और जो लाहौर में स्कर्ट पहन के किसी के साथ अग कर सकती है, पार्टी कर सकती है, सबको एक पेंट से नहीं ब्रश करते कि उसका फिर आप कोई कम्युनिटी का नाम लेते हैं या एक देखिए या मुस्लिम या पाकिस्तानी, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मैं एक मैं दो वो जो भाई थे इंडिया से, एक मुंबई से थे अंकल से और एक वो ईथियस भाई थे, उनकी मैंने पूरी बात नहीं सुनी, मैं शॉक्ड हो गया हूँ। मुझे एक बात का पता चल गया कि आप जिस कंट्री में रहते हो ना, जैसे आपका इंडोक्ट्राइन होता है आपका माइंड, आप सारी जिंदगी वो लेके चलते हैं। मैं जब इधर इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और भी बता ही देता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, मैं जब इधर आया हूँ मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, ओबीएसली ओपन माइंडेड और ये वो चीजें, घुल मिल जाना, डाइवर्सिटी, एब्सोल्युटली वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे गाँव के लोग तो ऐसे थे, मेरे शहर के लोग तो ऐसे थे, मैं यहाँ इतना आजाद घूमता हूँ, इतना मजा आता है, लेकिन वो लोग क्यों ऐसे नहीं करते, वो नहीं कर सकते। एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, टाइम के साथ चेंज आना पड़ता है। देखो, जब इंसान खुद एक्सपीरियंस करके आता है ना कुछ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, मैं खुद वहां से, ठीक है ना। अब मैंने ये नहीं कहा कि 100% पाकिस्तान जो है, ये कह रहे थे ना कि शरिया लॉ क्यों नहीं आया पाकिस्तान में, शरिया लॉ नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान में सेक्युलर लोग भी रहते हैं, पाकिस्तान में एथियस्ट भी रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंट जो है ना खिचड़ी हुई भी है, पाकिस्तान में मुल्ला लोग भी रहते हैं, ठीक है, कंट्री में रहते हैं, हर कंट्री की नहीं, अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मगर वहां से अगर मुझको औरतें मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मालीज आप इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि उन लोगों की वॉइस रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है, दूसरी जो ये फेमिनिस्ट की आप बात कर रहे होते हो, उनको फंडिंग मिलती है, वो एक अपना टारगेट लेके चल रही है। मेरा कोई एक टारगेट नहीं है कि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं या उस तरह से करूं। मेरे पाकिस्तानी बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारे लोग जो मुझको सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट इसी वजह से करते हैं कि जो इश्यूज लोग नहीं उठाते हैं मैं उनको उठाती हूँ। लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि आप उठाती क्यों इन इश्यूज को, क्योंकि क्या होता है हमारी सोसाइटी में, ब्रश ऑफ कर दो, हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी छोटी लड़कियों के रेप नहीं हो रहे होते, बच्चों अभी एक मदरसे का रेप किया है, चार मौलवियों ने उसको 100 दफा रेप किया है, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, सुना आपने कहीं पे, सुनी कोई हैशटैग स्टार्ट हुई नहीं ना, तो ये बातें क्यों नहीं सुना। और जब मैं बोलती हूँ तो फिर नेगेटिव क्यों बता रही हो, मैं इसी बात की, मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव, एक बात सुनो ना, पाकिस्तान बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज बनाई है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, अभी आप किसी से ही पूछ लो। पाकिस्तान में जब गई थी तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई पाकिस्तान को पॉजिटिवली दिखाने के लिए, आप लोगों ने देखी, किसी ने देखी है, मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 500-400 व्यूज, कोई नहीं देखना चाहता पॉजिटिविटी, कोई ये देखी है इन लोगों ने जो यहाँ आके गालियां देते हैं, कि जब मैंने पाकिस्तान को पॉजिटिवली प्रमोट किया तो आप वो भी तो देखो ना, नहीं वो नहीं देखते। जहां कोई क्रिटिसाइज कर दो किसी चीज को तो लोग फौरन आपके आके गले पड़ जाते हैं, एंड आई नेवर से कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्योंकि आई एम पाकिस्तानी, माय फैमिली इज पाकिस्तानी, यू नो आई कैन नॉट पेंट एवरीबॉडी लाइक दिस, नहीं देखनी की जरूर नहीं तो मत देखो, तो फिर मत, ठीक है, फिर आगे भी बोलना भी नहीं,
मगर थैंक यू सो मच यार, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. मेरा कंप्यूटर बंद होने Okay guys, that is it. मुझे जाना है खाना खाने और मेरा बिल्कुल लैपटॉप डेड होने वाला है. कल जो है प्लीज मिस नहीं करना, कल 10 बजे पाकिस्तान टाइम, मेरे ख्याल से मेरा 1 बज रहा होगा कनाडा टाइम. आई हैव अ गेस्ट कमिंग इन, इसी वजह से मैं ये ट्राई कर रही थी. तो आई हैव अ गेस्ट कमिंग इन फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज अ सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना. सो जरूरी नहीं है कि जब मैं यहाँ पे चीजें कर रही होती हूँ तो मैं टारगेट करती हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, यहाँ पे भी इश्यूज हैं, आई टॉक अबाउट इट टू, मगर यहाँ पे बहुत लोग हैं उन चीजों पे बात करने के लिए, मगर बहुत सारी चीजों पे बात पाकिस्तान में नहीं की जाती है, एंड दैट इज व्हाट आई से. ऑलराइट गाइस, टेक केयर. और जो गालियां देते हो ना तुम लोग, खुदा करे तुम्हारी गांड में एक बड़ा सा डंडा है. ओके बाय बाय.